अपने ही घर नौकरी दी हो। इस तो पहला सरदार बेअंत सिंह के पोते डीएसपी लाया गया, उस बाद बाजवा साहब के बेटे नौकरी मिली, लुधियाना तो MLA उन्हां दे बेटे नूं नौकरी दित्ती गई। तो हुण जिहड़ा अडिशनल एडवोकेट जनरल बाजवा साहब जिहड़े कि रंधावा साहब जिहड़े कि होम मिनिस्टर ने खुद उन्होंने नौकरी देती। सो इत्थों ये सिद्ध हुंदा कि इन्हां लई पब्लिक जिहड़ी आ एजेंडे ते है, ये आपदे धीआं पुत्तां नूं पालदे ने, जिन्हों जदों मौका मिल जाता वो वगदी गंगा च हाथ धो लै। DAP सारे इंडिया च प्रधानमंत्री साहब इन्हां गल्लां वल तां देखते ही नहीं, वो पार्लीमेंट दे विच बहुत बड़े बड़े भाषण दे लैंदे ने। असीं इत्थे बहुत रोने हाँ कि जी किसान जिहड़ा है वह DAP वल्लों हुण इहदा पहला प्रबंध करने चाहिए सी ना, कणक बीजन वास्ते DAP चाहिए है। सो DAP का जिहड़ा उहदी ब्लैक हो रही है, DAP वास्ते मारामारी हो रही है। सो ये फेलियर ऑफ पंजाब गवर्नमेंट एंड एज वैल एज सेंटर गवर्नमेंट। भगवंत मान जी, भगवंत मान जी मन बनाई बैठे ने, CM दा चेहरा क्यों नहीं डिक्लेयर किया जा रहा? जो लोगों ने मन बनाया उही करा। मान साहब मुफ्तखोरी जिहड़ी है उहदी एग्जाम्पल होर, जे तुसीं कर्जा लैके स्टेट दे उत्ते कर्जा चढ़ा के तुसीं कोई चीज़ मुफ्त दिंदे हो तां उह मुफ्तखोरी है। दिल्ली दी एग्जाम्पल दिंदे आ, दिल्ली दे विच 20,000 लीटर पानी फ्री है, दिल्ली दे विच बिजली 70-75% दिल्ली नूं बिजली जिहड़ी आ फ्री है, दिल्ली दे विच इलाज फ्री है, पर एक रुपया भी अरविंद केजरीवाल की तीसरी टन्योर है, अरविंद केजरीवाल की टन्योर के एक रुपया भी दिल्ली ने कर्जा नहीं लिया। उन्होंने लीकेज बंद की है, उन्होंने करप्शन बंद की है। 350 करोड़ का जिहड़ा पुल बनना सी 200 करोड़ बना के 150 करोड़ बचा के उन्होंने बीच उन्होंने दवाइया चलाता। इतने 3 लाख इस तरह मुफ्त दे के लोगों के टैक्स न बचा के जे लोगों नूं वापस दिता जाए तो लोगों का हौसला बढ़ता है, लोग ज़्यादा टैक्स देंगे ने। असं पंजाब करके दिखावे, दिल्ली करके दिखा, घर नौकरी देंगे, वो नारा सुना करते थे, कैप्टन ने सो चुकी, घर घर नौकरी पक्की। आज 5 साल होने को आ गए, लेकिन पंजाब के बेरोजगार युवाओं को, पंजाब के यूथ को नौकरी नहीं मिली। लेकिन कांग्रेस पार्टी के MLA और कांग्रेस पार्टी के मंत्रियों के बच्चों को, भतीजों को, दामादों को पंजाब सरकार में बढ़िया नौकरी, लाखों रुपए की नौकरी मिल गई। कली का चन्नी सरकार का आप फैसला उठाकर देखिए, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर डेरा बाबा नानक, हल्के से विधायक रंधावा साहब के दामाद को पंजाब सरकार में एडिशनल एडवोकेट जनरल, एक बहुत बड़े अफसर की नौकरी दे दी गई, जिसकी सालाना रकम है, सैलरी है 15 लाख रुपए। हर घर नौकरी देंगे, वो नारा सुना करते थे, कैप्टन ने सो चुकी, घर घर नौकरी पक्की। आज 5 साल होने को आ गए, लेकिन पंजाब के बेरोजगार युवाओं को, पंजाब के यूथ को नौकरी नहीं मिली। लेकिन कांग्रेस पार्टी के MLA और कांग्रेस पार्टी के मंत्रियों के बच्चों को, भतीजों को, दामादों को पंजाब सरकार में बढ़िया नौकरी, लाखों रुपए की नौकरी मिल गई।